आज मैं जो अलंकार आपको बताने वाला हूँ, तो आपने अलंकार तो कई बार पढ़ा होगा और कई बार भूले भी होंगे, और नहीं भूले होंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है या ये होगा। तो सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होगी। कोई भी ट्रिक किसी भी प्रकार का यहाँ पे वैसा हम नहीं लिए हुए हैं कि आपको दिमाग पे बर्डन पड़े। समझने का कॉन्सेप्ट है, अलंकार समझना है। यहाँ पे सरल से सरल तरीका क्या हो सकता है समझने का, वो मैं आपको बता दूंगा कि सबसे छोटे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं उसको आप समझिएगा, ठीक है। कोई भी ट्रिक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पूरा देख लेंगे आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाएँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने कहीं भी पढ़ा होगा, और कहीं भी आप पढ़ने जाते हैं अगर अलंकार पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कॉमनली बता देते हैं कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण। मैं भी वही बताने वाला हूँ। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। आभूषण क्या करता है, अगर कोई भी स्त्री या कोई पुरुष अगर आभूषण पहनता है तो किस लिए पहनता है, किस उद्देश्य से पहनता है, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहेंगे, और मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले को आभूषण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, जो अलंकार होगा वे दो भाग में होगा, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार, दो भाग में बांट दिया जाता है अपने सुविधानुसार। शब्द का मतलब ही समझ रहे हैं, जहाँ पे शब्द शब्द की बात हो, और अर्थ का मतलब हो रहा है जहाँ पे अर्थ अर्थ की बात हो। यहाँ पे किसी को समस्या नहीं होगी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर होता है। शब्दालंकार का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे कि जहाँ पे अलंकार शब्द में हो, और जहाँ पे अलंकार अर्थ में हो, वे क्या हो जाएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार हो जाएगा। अब देखिए, शब्दालंकार को तीन भागों में बांट दिया गया है, और तीन भागों में अपनी सुविधा अनुसार बांटा गया है। और भी पार्ट्स होते हैं अगर, तो हमें हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको जितना पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। जैसे अनुप्रास के भी पांच भाग होते हैं, वे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अनुप्रास में क्या होता है, अच्छा बताइए, शब्द है तो शब्द में सबसे छोटा क्या होता है, शब्द में सबसे छोटा होता है वर्ण, ठीक है। शब्दों में सबसे छोटा वर्ण होता है, यानी वर्णों के मेल से जब भी बनता है तो शब्द बन जाता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ण आएगा। तो अनुप्रास में आप लिख लीजिए वर्ण। मैं याद करने का सरल से सरल तरीका, अब इसको आप ट्रिक मान लीजिए या सरल तरीका मान लीजिए, आपको अगर ट्रिक मानना है तो ट्रिक भी मान लीजिए, ठीक है, आप इसको ट्रिक कह लीजिए। चलिए, तो आप यूँ समझ लीजिए, अनुप्रास में क्या होना चाहिए, वर्ण। जहाँ पे वर्ण आए या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। बस सीधा कॉमन सी बात, जहाँ बार बार वर्ण रिपीट हो, कोई भी वर्ण का मतलब समझ रहे हैं, अक्षर, जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज ज ञ, ठीक है, ये वर्ण होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, तरणी तुंजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चावर चंद की चंचल किरणें खेल रहे हैं जलथल में, ये सब क्या है। और चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चम्मच से चटनी चटाई, ये सब क्या है, ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पे त है, त है, त है, त है, त है, देखिए कितनी बार त आया, त बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ण है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार की बात करते हैं, देखिए याद तो सभी कर लेते हैं, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यमक का मतलब ही क्या होता है, यमक का अर्थ ही होता है दो, ठीक है। यमक का अर्थ क्या होता है, यमक का अर्थ ही दो होता है, दो मतलब दो, युग्म, ठीक है, इसका अर्थ होता है दो। तो याद रखेंगे, अगर आप यमक का अर्थ क्या होता है, यमक का मतलब होता है दो, तो आप जिंदगी में कभी यमक अलंकार नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा इसका मतलब क्या है, दो आए, यानी एक ही शब्द दो बार आए, या एक से ज्यादा बार आए, शब्द की बात है, ठीक है। एक ही शब्द एक से बार ज्यादा बार आए तो उसमें क्या होगा, यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमन घटा, कनक कनक ते सौ गुनी, ये सब क्या है, ये सब यमक अलंकार के उदाहरण है, समझ में आ गया ना। या एक मूवी का सॉन्ग भी है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पे सजना शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है, खैर वो परीक्षा में नहीं आता है इसलिए उसकी कोई भी गणना नहीं होगी। यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा से समझते हैं, तो काली घटा का घमंड घटा मतलब यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है, एक बार घटा मतलब कम होना, और एक बार घमंड, ठीक है, एक बार घटा मतलब बादल, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से ये यमक अलंकार हो जाता है, दो बार या एक से ज्यादा बार आ जाए। अब देखिए श्लेष अलंकार, अब देखिए श्लेष का मतलब क्या होता है, आपने कभी श्लेष शब्द का प्रयोग किया है क्या, किसी भी अगर आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे, और आप श्लेष का प्रयोग करे होंगे या नहीं किए होंगे, तो मैं उसका अर्थ बता देता हूँ आपको। देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है,
स्लेस का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ का अर्थ हो गया कि मतलब कि चिपका हुआ। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ अगर चिपका होगा तो इसका मतलब क्या, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं कि नहीं है, है ना। तो इसका मतलब स्लेस में क्या है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब है तो एक ही। अच्छा देखिए, जैसे अगर मैं तीन चार पेज है उसको अगर मैं चिपका दूं तो क्या हो जाएगा, वो पेज एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अगर मैं तीन चार पेज को एक में चिपका दूं तो एक हो जाएगा, लेकिन उसमें है तो अलग अलग पेज, है ना। तो स्लेस का भी कुछ यही कॉन्सेप्ट है। स्लेस का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी काव्य साहित्य है जिसमें किसी भी वर्ण की या किसी भी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हो, लेकिन उसका अर्थ जो हो वे अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग कई लोगों के लिए हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सुपसून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर देखिए जो पानी का अर्थ हो जाता है वे मोती के लिए अलग हो जाता है और मानुष के लिए अलग हो जाता है और चूने के लिए अलग हो जाता है। मोती के लिए भी अलग कीमत है, मनुष्य के लिए भी अलग और चूने के लिए भी अलग अलग कीमत होती है पानी की, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द एक ही बार आया है, लेकिन चिपका हुआ इसके इससे कितने चिपके हुए अर्थ निकले, तीन अर्थ निकले। तो स्लेष का मतलब ये हो गया, ठीक है। ये बात हो गई शब्दालंकार की, इनमें भी पार्ट होते हैं, हमको उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग की परीक्षा में जो पूछा जाता है हम लोग केवल वही अध्ययन कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग अर्थालंकार पे। अर्थालंकार हो गया, मैंने बता दिया कि अर्थ के आधार पर। अब देखिए, अर्था में सबसे पहले यहाँ पे है उपमा अलंकार, है ना। अब देखिए, उपमा अलंकार का मतलब, इसका भी अर्थ अगर हम लोग समझ लेते हैं तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। देखिए, उपमा में अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, उपधन मा बनेगा। उप का मतलब हो जाएगा, उप का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज है उसको समीप लाना, ठीक है, कोई भी चीज है उसको समीप लाना, इज कॉल्ड द उप, ठीक है। दो वस्तु है, ये दो मेरे हाथ हैं, इन दोनों को समीप लाएंगे तो मतलब कहेंगे कि उप। और माँ का मतलब निकलता है मापन, ठीक है, माँ का मतलब निकला है मापन। तो उपमा का मतलब क्या निकल रहा है, किसी भी दो चीज को समीप लाके या समान जो चीज को समीप लाके उसका क्या करना, मापन करना, उसकी तुलना करना, इज कॉल्ड द उपमा अलंकार। समझ में आ गया होगा, उपमा का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका अगर हम वो करें, इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें, या इसमें यूँ कह लीजिए कि हम पहचानेंगे कैसे कि उपमा अलंकार है कि नहीं है, तो किसी भी काव्य साहित्य में अगर सा या सी आए, ठीक है, किसी भी काव्य या साहित्य में क्या आए, या सा या सी आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे सा और सी आए वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगला एग्जाम्पल ये है, मोम सा तन घुल चुका दीप सा मन जल उठा। मतलब मोम सा, यहाँ पे देखिए सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये सा है और यहाँ सा है, तो ये जो सा है इसके इससे हमको पता चल गया, अगर आपकी परीक्षा में आ गया कि ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे सा और सा लगा हुआ है, इससे आप पहचान जाएंगे किसका उदाहरण है, ये है उपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। कहीं भी अगर सा और सी टाइप का आ जाए तो वहाँ पे कौन सा उदाहरण हो जाएगा, उपमा अलंकार। रूपक की बात करें तो रूपक में, वैसे तो रूप का मतलब आप लोग जानते हैं, और रूपक में क्या होता है, योजक चिन्ह, ठीक है। अगर किसी भी काव्य साहित्य में अगर योजक चिन्ह आपको दिख रहा है, अगर योजक चिन्ह आ रहा है तो यूँ समझ लीजिए तुरंत कि वे कौन सा अलंकार है, वहाँ पे रूपक अलंकार है। इसका उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, है ना उदाहरण यहाँ पे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो देखिए, गिरि मंच, यहाँ देखिए योजक चिन्ह है, रघुवर बाल पतंग यहाँ योजक चिन्ह है। अगर आपको कोई, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का रूपक अलंकार है तो वहां पर योजक चिन्ह अवश्य होता है, लिख के ले लीजिए, याद कर लीजिए, रूपक में योजक चिन्ह लगेगा तो रूपक अलंकार होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, उत्प्रेक्षा में आ जाइए, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है, अब देखिए उत्प्रेक्षा में पहचानने की कैसी ट्रिक है या कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं कि मानो मानो मनो मन जनो जानो, इस टाइप का अगर शब्द आया, मानो मानव मनोमन जनु जानो, इस टाइप का अगर शब्द आ रहा है, जनु जानु जान निश्चय, इस टाइप का अगर शब्द आ रहा है तो याद रखिए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये लिख लीजिए कहीं कॉपी में, लिख लीजिए कि मानो मानव मनोमन, इस टाइप का अगर आ गया तो आप वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उसके अलावा कोई अलंकार नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और आप खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे अपनी किताबों में, कहीं भी देखेंगे तो ये शब्द मिलेंगे ही। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, ठीक है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। तो यहाँ पे देखिए, जानो आया तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्लियर हो गया होगा, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, अब देखिए अतिशयोक्ति,
अब देखिए अतिशयोक्ति, इसको भी याद करने का तरीका क्या है, मैं सरल सरल तरीका बता रहा हूँ आपको, आप इसको ट्रिक मान ले या चाहे जो मान ले। अतिशयोक्ति देखिए, अति का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना, इतनी ज़्यादा बखान कर देना अपने बारे में, तो अतिशयोक्ति अपने ज़्यादा में बहुत ज़्यादा बखान कर देना, हद से ज़्यादा अति कर देना, मति मचा देना, है ना, तो अतिशयोक्ति हो जाता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई, आग लंका सगरी जल गई, गया निशाचर भाग, ठीक है। या एक उदाहरण और देख लीजिए, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने, गगन में जा रही, मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साकेत नगरी है जो कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो स्वर्ग से मिल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। या सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं रहे आगे तुम्हारे, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी आपका अतिशयोक्ति हो गई है ना, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना, खैर कोई बात नहीं। देखिए विभावना, अविभावना का क्या मतलब होता है, विभावना का मतलब कि बिना कारण ही कुछ हो जाना है ना, विभावना का ही ये देखिए, भावना और वी, आप लोग इसको ऐसे याद रख लीजिए कि भावना और वी मतलब बिना भावना की, यानी भावना भावना का मतलब समझ लीजिए कि बिना किसी कारण के कुछ भी हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। इसका उदाहरण देखिए, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब बिना चले, मतलब बिना पैर के चले, बिना कान से सुने, बिना हाथ के कुछ किए काम हो जा रहा है, यानी बिना कुछ किए बिना किसी कारण के काम हो जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे चले देखिए, भ्रांतिमान अलंकार, जैसे भ्रांति है, देखिए भ्रांति में भी देखिए यहाँ पे भ्रम दिख रहा है आपको, भ्रांति से भी भ्रम भ्रम बनेगा, इसका मतलब ऐसा अलंकार जहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आप पढ़ेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी उदाहरण दिया है, परीक्षा में आया हुआ है, तो आप देखेंगे अगर वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भ्रम है, तो आपको वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कौन सा अलंकार है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये देखिए, देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है, ठीक है, ये देखिए, अब भ्रम हो गया, मतलब जो सुख है उसको भ्रम हो गया है कि उसके सामने कि ये चुप, मतलब कि एक सुख था वो मौन हो गया, और देख रहा है कि उसके सामने एक दूसरा सुख कौन आ गया, मतलब कि ये तो बात हो रही है लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की बात हो रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक जो सुख है वो बैठा हुआ वो देख रहा था कि मेरे सामने ये, या वो चुप हो गया और सोचता है कि दूसरा सुख कौन आ गया है ना, तो ये क्या हो गया, भ्रम हो गया है कि वो है कि मैं हूँ, है ना। अब संदेह की बात आ जाइए, देखिए भ्रांतिमान और संदेह में गलती मत कीजिएगा, ये गलती हो जाती है। और संदेह में क्या होता है दोस्तों, देखिए संदेह में क्या है ना कि संदेह हो जाना, मतलब कि समझी में आना कि यहाँ पे कुछ है, डाउट हो जाना, ठीक है। जैसे कि आप जैसे वो था नहीं कि ईक वाला ईक को मतलब कि विषधर यानी सांप को ईक समझ लिया था किसने, हाथी ने, तो यानी गजराज ने, तो ये हो जाता है, तो भ्रम हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे संदेह हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब देखिए संदेह में क्या हो गया, देखिए नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि नारी सारी है, सारी नारी है, मतलब इतना कन्फ्यूज़न कि यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारी में नारी है कि नारी में सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, तो ये हो गया, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, यहाँ पे संदेह हो जाता है कि यहाँ पे डाउट हो जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाता है। असंगत की बात करें तो असंगत क्या मतलब हो गया कि जैसे यहूद हो कुछ और रहा है, मतलब कि यूँ सपोज कर लीजिए कि जैसे बोल मैं रहा हूँ और गला आपका दर्द कर रहा है, ठीक है, जैसे बोल मैं रहा हूँ, पढ़ा मैं रहा हूँ और जो गला हो गया आपका दर्द कर रहा है, तो इस टाइप से कहने का मतलब कि हो कहीं और रहा है और उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है, ठीक है। जैसे बारिश यहाँ हो रही है और भीग कोई अपने घर में रहा है, या बारिश बाहर हो रही भीग अंदर रहे हैं, इस टाइप से जैसे आप समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे आप लोगों ने वो कई सॉन्ग भी सुने होंगे इससे संबंधित, तो ये असंगति में ही हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, मतलब कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगती है, जब तीर मारा जाता है लक्ष्मण जी को, तो रघुवर जी कहते हैं कि घाव तो तुमको लगे हैं लक्ष्मण जी, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है, यानी श्री राम को दर्द हो रहा है, तो इस हिसाब से हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, ठीक है। तो ये हुआ इसका मतलब, ये क्या हो गया, असंगति। असंगत का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब कि मतलब कुछ मेल नहीं खा रहा है ना, कि मतलब कि चोट उसको लगी, दर्द तुमको कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया
असंगति अलंकार। देखिए मानवीकरण में क्या होता है, ये छोटा सा है, इसका कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी समझ लीजिए क्या होता है। मानवीकरण में क्या होता है कि जैसे किसी भी काव्य या किसी भी निर्जीव वस्तु कह लीजिए, या कोई भी निर्जीव वस्तु समझने के लिए समझ लीजिए कि जैसे कोई निर्जीव वस्तु या फूल है या बादल है, उनकी ऐसी तुलना कर दी जाती है जैसे कि उसमें जान है, ठीक है। तो जैसे ही है मानवीकरण, मतलब उसको मानव जैसा बना देना, मानव जैसा रूप दे देना, क्या हो जाता है, ये मानवीकरण हो जाता है। देखिए और भी उदाहरण, और भी ज़्यादा अर्थालंकार के बहुत ढेर सारे पार्ट है, लेकिन यही महत्वपूर्ण रहते हैं, और ऊपर के जो स्टार्टिंग के जो आठ है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, जैसे उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, यहाँ तक आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप हम भी संतुष्ट हो जाए ना कि मैंने जो आपको बताया इतने देर से बोला और आपको समझ में आया है ना। तो ठीक है, फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें।